गुड मॉर्निंग। आज हम ME 306 सब्जेक्ट से यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में बैंड सॉ के बारे में जानेंगे। जो बैंड सॉ है वो एक प्रकार की सॉइंग मशीन है एंड अ बैंड सॉ कंसिस्ट ऑफ एन एंडलेस सॉ ब्लेड विच रन्स ओवर द रिम्स ऑफ टू व्हील्स ऑन द मशीन। बैंड सॉ है उसमें एक एंडलेस सॉ ब्लेड होती है जिसे बैंड कहते हैं और वो दो व्हील्स के ऊपर रन करती है। बैंड सॉ आर ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल बैंड सॉ एंड हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। दीज मशीन्स आर यूज टू प्रोसेस वुड, मेटल एंड अदर मटेरियल्स और इन मशीन्स के थ्रू स्ट्रेट कट, इरेगुलर और कर्व शेप कट्स को काटा जा सकता है। बट ज़्यादातर दीज मशीन्स आर यूज टू कट इरेगुलर शेप्स। नाउ दिस स्लाइड शोज द लाइन डायग्राम ऑफ वर्टिकल बैंड सॉ। जो वर्टिकल बैंड सॉ हैं उसके वेरियस पार्ट्स आर कॉलम, देन बेस, दिस वन इज टेबल। दो व्हील होते हैं, अपर व्हील, लोअर व्हील एंड बैंड। दिस इज बैंड जिसे सॉ ब्लेड भी कहते हैं और यहाँ पर गाइड्स लगे रहते हैं। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्टिकल बैंड सॉ। नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन। जो पार्ट्स अभी हमने देखे हैं उनकी डिटेल देखेंगे। फर्स्ट वन इज बेस, दिस वन इज बेस। जो बेस है वो हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर होता है एंड इट सपोर्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन। मतलब जितने भी मशीन के वेरियस पार्ट्स हैं वो बेस के ऊपर सपोर्ट किए जाते हैं। जो कॉलम है मशीन का वो वर्टिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है और ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। कॉलम के अंदर मशीन के वेरियस कंट्रोल्स लगे होते हैं लाइक प्राइम मूवर, ड्राइविंग मैकेनिज्म्स एंड वेरियस अदर कंट्रोल्स। जो कॉलम है उसका टॉप पार्ट आउटवर्ड्स प्रोजेक्टेड होता है, मतलब बाहर की ओर निकला होता है, जिसे हेड भी कहा जाता है। और इसके अंदर अपर व्हील को लगाया जाता है। जो अपर व्हील है उसका काम है टू सपोर्ट एंड ड्राइव द सॉ ब्लेड, सॉ ब्लेड को सपोर्ट करना और उसको ड्राइव करना। नेक्स्ट वन इज टेबल। जो टेबल है उसके ऊपर वर्क पीस को डायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है, मतलब वर्क पीस को बांधा जाता है। टेबल भी कास्ट आयरन की बनी होती है एंड इट कैरीज अ लॉन्ग स्लॉट एट इट्स सेंटर थ्रू विच सॉ ब्लेड पासेस। और जो टेबल है उसके सेंटर में एक लॉन्ग स्लॉट का, स्लॉट का मतलब खांचा बना होता है जिसमें से सॉ ब्लेड पास होती है। तो अब अगर इरेगुलर शेप्स को कट करना है तो ब्लेड को हम किसी एंगल पर टिल्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हील्स। जो बैंड सॉ है उसमें दो व्हील्स लगे रहते हैं जो रोटेट करते हैं। दीज व्हील्स आर माउंटेड ऑन टू डिफरेंट शाफ्ट्स टू मूव द एंडलेस सॉ ब्लेड कॉल्ड बैंड। और ये दोनों व्हील्स दो अलग अलग शाफ्ट्स पर माउंट होते हैं और बेल्ट को कैरी करते, बेल्ट का मतलब बैंड को कैरी करते हैं और उसको मोशन देते हैं। गाइड्स, दीज आर प्रोवाइडेड टू कीप द बैंड स्ट्रेट व्हाइल इट पेनिट्रेट्स इनटू द वर्क। जो गाइड्स हैं उनका काम होता है जब ब्लेड या जो बैंड है वो वर्क पीस पे से पास होती है तो वो स्ट्रेट रहे, सही डायरेक्शन में वो जाके कट करे, इसके लिए गाइड्स प्रोवाइड होते हैं। नहीं तो ब्लेड जब वर्क पीस पे जाएगी तो वो बेंड भी हो सकती है। तो इनको अवॉइड करने के लिए गाइड्स आर प्रोवाइडेड। सो दिस वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंड सॉ, वर्टिकल बैंड सॉ। नाउ इट्स वर्किंग। इन दीज मशीन्स द वर्क पीसेस फेड इनटू द कटिंग एज ऑफ द मशीन। इस मशीन में जो वर्क पीस है उसको फीड दिया जाता है ब्लेड के ऊपर। इट
कट्स बाय ड्रॉइंग अ कंटिन्यूस मेटल बैंड अक्रॉस द वर्क पीस। और कटिंग एक्शन कैसे होता है? कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है जब जो ब्लेड है वो कंटिन्यूसली मूव करती है और वर्क को उस पर जब फीड दिया जाता है तो कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है। जो ब्लेड है इज सपोर्टेड एंड ड्रिवन बाय अ ड्राइव व्हील माउंटेड बीनीथ द वर्क टेबल एंड एन आइडलर व्हील माउंटेड अबव द वर्क टेबल। जो ब्लेड है वो दो व्हील्स के ऊपर सपोर्ट होती है और उन्हीं से उसे ड्राइव मिलती है। तो एक व्हील तो टेबल के नीचे लगा रहता है और एक व्हील ऊपर की ओर लगा रहता है एंड कट्स इनटू द साइड ऑफ द स्टॉक। और जो कटिंग है वो वर्क पीस की साइड से परफॉर्म होती है। सो दिस इज़ द वर्किंग। इसमें ऑपरेशन ऑफ वर्टिकल बैंड्स को दिखाया गया है। वर्क टेबल के दिस इज़ द वर्क टेबल। वर्क टेबल के ऊपर वर्क रखा जाता है। दीज आर द टू ड्राइविंग व्हील्स। इन व्हील्स के ऊपर ये बैंड लगा हुआ है जिसपे दांते बने हुए हैं। अब जब ये दोनों व्हील ऐसे रोटेट करते हैं तो ये बैंड इनके ऊपर इस तरीके से मोशन करता है और वर्क को टेबल के ऊपर इस डायरेक्शन में फीड दिया जाता है। तो बैंड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड हुई, वर्क की डायरेक्शन इसमें हुई। तो जैसे जैसे वर्क को फीड दी जाती है ब्लेड वर्क को यहाँ साइड से कट करता जाता है। सो दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ वर्टिकल बैंड। नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। जो हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ है उसमें भी सारे पार्ट्स वर्टिकल बैंड सॉ की तरह ही होते हैं, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो रिवॉल्विंग व्हील्स हैं दो, अपर व्हील एंड लोअर व्हील, उनकी एक्सेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। जो कटिंग पोजीशन है ब्लेड की डैट इज़ हॉरिजॉन्टल और जो कटिंग एक्शन है डैट टेक्स प्लेस ड्यू टू कंटिन्यूस फीड गिवन टू द बैंड इनटू द वर्क पीस। इस सॉ में जो ब्लेड है उसको फीड दी जाती है वर्क पीस पे और कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है। दिस ब्लेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ बैंड सॉ मशीन। Now this slide shows the various parts या line diagram of horizontal band saw. So this was all about band saw machines. Thank you.